दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, खान सर, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पहचान है, यानी पटना के खान सर जो अपने आप को जीएस रिसर्च की बात करते हैं। उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसे सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाते हुए एक ऐसी बात कही कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि उन्हें बाप 2014 में मिला है। दरअसल 2014 में बाप कौन है और किसको मिला है, हम आपसे इस बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान को जरा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको गुस्सा इस बात पर आएगा कि क्या एक शिक्षक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, क्या एक शिक्षक इस तरह के बयान दे सकता है। अगर एक शिक्षक सिर्फ बयान नहीं है, ये उसकी मानसिकता है। जिस व्यक्ति को लाखों और करोड़ों लोग सुनने वाले हो, वो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को क्या ज्ञान दे रहे हैं। आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हो जो आने वाले भारत का भविष्य है, और आप उस भविष्य को कह रहे हो कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि उनको बाप 2014 में मिला है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि संविधान के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के तहत किसी को वोट देता है तो अपना बाप चुनता है। जरा दरअसल आप इस वीडियो को देखिए जो खान सर ने अपने इस वीडियो में कहा है, और इसे सुनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में और करूंगा इनको डिकोड। ये जरूर है, 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत, 2014 के बाद में। नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। कंगना ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा था, जब देश के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग युद्ध लड़ रहे थे, तब कुछ लोग आजादी को भीख के रूप में मांग रहे थे। लेकिन खान सर ने यहाँ पर भी झूठ बोल दिया, और उन्होंने ये कहा कि कंगना का कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई आजादी भीख में मांग कर लाई है। खान सर, शिक्षा के नाम पर झूठ, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। खान सर की बौखलाहट के पीछे कंगना का ट्वीट तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल असली वजह क्या है। वजह यह है कि उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा कि मैं खालिस्तानी हूँ, देशद्रोही और जिहादी गैंग के खिलाफ हूँ, बस मिर्ची तो इस बात की लगी थी। दरअसल खान सर के फेमस होने का कारण टीचिंग स्टाइल मानी जाती है, लेकिन दरअसल ये बात ऐसी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खान सर के फेमस होने का कारण क्या है। उनकी हर बात में लड़कों को गाली, कभी आपने देखा होगा उनको पढ़ाते समय वो क्या कहते हैं, हे ससुरा क्या करता है, ससुरा सुनता नहीं है, ससुरा उधर चला गया। क्या एक टीचर सिर्फ अपनी बात को ससुरा कहकर रिप्रेजेंट कर सकता है? व्हाट इज ससुरा? क्या बिहार के लोग सिर्फ ससुरा हैं? क्या भारत की परंपरा एक ससुरा के इर्द गिर्द घूमती है? मैं कहना चाहता हूं खान सर, एक शिक्षक के रूप में गाली ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आप पढ़ाते हो या बच्चों के साथ जोकरपंथी करते हो? अगर आप एक एंटरटेनर हो तो आप खुल करके बोल दीजिए कि हाँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ। लेकिन शिक्षा की आड़ में, एक शिक्षक की आड़ में आप बच्चों को एजुकेशन के नाम पर एंटरटेन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमारे यहाँ तो महिलाएं देवी के रूप में पूजी जाती हैं, लेकिन आप क्या करते हो, हर बात पर लड़कियों पर कमेंट करते हो। और कैसे कमेंट? लड़की सब लड़का को देख के मुस्कुराती है, लड़की सब लड़का को देख के पीछे छिप जाती है और पूछती है, जरा देखना मुझे देख रहा है क्या। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आज हर भारतीय समाज से, क्या हमारा शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों को हर बात पर गाली देकर रिप्रेजेंट करे और लड़कियों को कमेंट की चीज के रूप में प्रस्तुत करे? ये बात सिर्फ मेरी नहीं, ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर के शिक्षा के विरुद्ध, इस तरह की नीतियों के खिलाफ एक युद्ध की आवश्यकता है। ये कोई एक व्यक्ति या एक पर्सन या एक समाज नहीं कर सकता, ये पूरा हिंदुस्तान के लिए और हर हिंदुस्तानी इसके लिए आगे आना पड़ेगा, और तभी इस तरह के शिक्षा के माहौल को बदलना पड़ेगा। आप अगर एक एंटरटेनर हैं तो आप खुल के कह दीजिए, हाँ मैं एक एंटरटेनर हूँ। यदि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षा को, समाज को सच्चाई की राह पर लेकर चलिए, गाली कमेंट के रूप में नहीं। वापिस ससुरा, क्या बिहार ससुरा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग और बिहार की धरती, जिसने समाज को एक आईना दिखाया, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का दर्शन करवाया, जहाँ से भगवान बुद्ध आए, क्या भगवान बुद्ध की धरती आज गाली की धरती बन गई है? बिहार की जिस धरती से भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने अपना ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित किया हो, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रकाशमय किया हो, क्या आज बिहार की उस धरती से ऐसा शिक्षक जो अपनी बात को, अपने फॉलोअर्स को या फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, ये कहाँ तक उचित है? खान साहब, जरा आप खुद सोचिए कि क्या एक शिक्षक के रूप में ये बात कहाँ तक बर्दाश्त की जा सकती है? आप खुद शर्मसार हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।